अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रैपिड राइड्स की तरफ से एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार जापानी स्पोर्ट्स बाइक लेकर आए हैं। द बाइक इज बाय कावासाकी निंजा 250cc। इस बाइक की सारी डिटेल्स आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद इट्स इंजन गाइज, इट्स अ 250cc बाइक जो कि सिंगल सिलेंडर है, फोर वेल्व है और लिक्विड कूल के अंदर आता है। DOHC है, यानी कि डबल ओवरहेड केम है इसके अंदर। EFI है, ये जो हमें हॉर्स पावर देगा वो राउंड अबाउट 27.6 हॉर्स पावर देता है। कंप्रेशन रेशियो जो इसका है 11.3:1 है। टॉर्क जो देगा 22.6 न्यूटन मीटर्स है। 6 स्पीड के अंदर ये बाइक आता है। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ लिक्विड कूल बाइक। दैट मीन्स के इसके आगे एक प्रॉपर रेडिएटर लगा हुआ है, जिसका कि आप यहाँ से देख रहे हैं। रेडिएटर का फायदा ये होता है कि आपके बाइक के इंजन को ओवरहीट नहीं होने देगा। आपने इसको हाई रेव्स पे भी लेकर जाना है, लो रेव्स पे चलाना है, तो आपका बाइक ओवरहीट नहीं होएगा। और पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से लिक्विड कूल बाइक्स जो हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत हॉट होता है। आपका नॉर्मली बाइक ओवरहीट हो जाता है जब आप उसको राइड कर रहे होते हैं, तो ये लिक्विड कूल बाइक है, ये पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्रंट से आपको बाइक चेक कराते हैं। पहले आप इसके टेलीस्कोपिक शॉक्स चेक करें, बहुत ही थिक शॉक्स दिए हुए हैं जो कि 37 mm थिक है। उसी तरह आप इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक चेक करें, बहुत ही हमें बीफी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। साइज भी इसका मैसिव है, 2 पिस्टन कैलिपर के साथ ये डिस्क ब्रेक आता है। और जो इसकी थिकनेस हमें दी हुई है वो 290 mm इसकी थिकनेस दी हुई है। उसी तरह आप फ्रंट का टायर चेक करें, स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स पैटर्न के अंदर इसको टायर लगा हुआ है। जो इसका स्टैंडर्ड साइज आता है वो 190/17 आता है। और बहुत ही मजेदार इन्होंने इसके अंदर एलॉय रिम्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप ये चेक कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश इसके अंदर हमें एलॉय रिम्स भी आ रहे हैं फ्रंट पे। बैक साइड पे इन्होंने हमें बहुत ही मजेदार यूनी ट्रैक विद एडजस्टेबल स्प्रिंग प्रीलोड दिया हुआ है, जिसके अंदर 5 एडजस्टमेंट्स आती हैं। 5 एडजस्टमेंट मींस कि आप अपने टेरेन के हिसाब से अपना जो पिछला शॉक है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह आपको इसकी पिछली बैक डिस्क ब्रेक चेक कराते हैं। बहुत ही मजेदार इन्होंने बैक डिस्क ब्रेक दिया हुआ है जो कि 2 पिस्टन कैलिपर के साथ आता है। और जो इसकी थिकनेस है वो 220 mm है। बैक टायर आप चेक करें, उसी तरह स्पोर्ट्स पैटर्न के अंदर हमारे पास बैक टायर है। और जो इसका स्टैंडर्ड साइज आता है वो 130/70/17 आता है। उसी तरह आप इसके एलॉय रिम्स चेक करें, जिस तरह का पैटर्न हमारे पास फ्रंट पे था एलॉय रिम्स का, ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग एलॉय रिम्स दिए हुए हैं। उसी तरह बैक साइड पे भी हमारे पास वही एलॉय रिम्स आते हैं। बाइक के चेसिस के बारे में आपको थोड़ा गाइड करते हैं। जो इसका फ्रेम है वो ट्यूबुलर डायमंड स्टील फ्रेम है। उसी तरह हमारे पास जो इसकी सीट हाइट है, सीट हाइट मींस कि आपकी सीट से लेके जो नीचे ग्राउंड तक की क्लियरेंस होती है वो 780 mm है। उसी तरह आप इसका फ्यूल टैंक चेक करें, बहुत ही मजेदार एरोडायनामिक इन्होंने फ्यूल टैंक दिया हुआ है। ये 11 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक हमारे पास आता है। और बाइक का जो कर्व वेट है, कर्व वेट मीन्स जो इसका वेट वेट है, वो हमारे पास 152 kg है। एज इट्स 2015 मॉडल, मीटर इसका फुल डिजिटल है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, जिस तरह कि आप देख रहे हैं हमारे पास क्लॉक है, ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, हमारी जो स्पीड है वो भी डिजिटल है। इस साइड पे हमारे पास फ्यूल गेज आ जाती है और जो ऊपर RPMs हैं वो भी हमारे पास डिजिटल के अंदर आ रहे हैं। इस साइड पे न्यूट्रल का साइन आ रहा है और कुछ इसके अंदर साइंस और आते हैं, जिस तरह कि मैं आपको ये चेक कराता हूँ। ये देखिए बैटरी का साइन है, आपका हेडलाइट का साइन आ जाता है, इस साइड पे आपके चेक इंजन का साइन आ जाता है। तो इसके अंदर हमें एक बहुत ही स्लीक सा मीटर दिया हुआ है जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। आपको बाइक के हैंडल के ऊपर ऑप्शन चेक करा देते हैं। सबसे पहले हमारा किल स्विच, उसके बाद नीचे हमारे पास पुश स्टार्ट आ जाता है इस साइड पे। दूसरी साइड पे हम चेक करते हैं, हमारे पास हाई लो बीम, इस साइड पे हमारे पास इंडिकेटर्स और नीचे हमारे पास हॉर्न। और आगे जो हमारे पास जो बटन है वो हमारे डिमर्स का है। फ्रंट से आपको इसकी हेडलाइट चेक कराते हैं। बहुत ही मजेदार इन्होंने डायमंड शेप में हमें एक हेडलाइट दिया हुआ है। इसको आपको हाई लो बीम भी चेक कराता हूँ। ये अभी अपनी लो बीम पे है, ये इसकी हाई बीम है, ये इसके डिमर्स हैं। आपको इंडिकेटर्स भी चेक कराते हैं। बहुत ही मैसिव साइज के इन्होंने हमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इसके ऊपर, जैसा कि आप चेक कर रहे हैं। उसी तरह मैं आपको इसकी पीछे से टेल लाइट भी चेक कराता हूं। बहुत ही मजेदार हमें उसी तरह ही LED टेल लाइट दी हुई है, जो कि बाइक को एक बहुत ही अग्रेसिव लुक दे रहा है। यह अभी नॉर्मल है और ये इसकी ब्रेक लाइट है। उसी तरह आप इसकी टेल चेक करें, बहुत ही स्लीक सी हमें पीछे टेल दी हुई है। नीचे आपकी नंबर प्लेट आ जाती है, ये नंबर प्लेट की लाइट आपकी आ जाती है और ये एक स्लीक सी इसके ऊपर हमें इन्होंने टेल दिया हुआ है,
क्योंकि पीछे से आप बाइक देखें तो बहुत ही इसको एक एग्रेसिव लुक दे रहा है। उसी तरह हमें एक अंदर भी बाइक के अंदर की साइड पे एक मड गार्ड दिया हुआ है, जिसका फायदा ये है कि ये आपके अंदर इंजन को सारा प्रोटेक्ट रखेगा कि कोई कीचड़ वगैरह आपके इंजन के ऊपर नहीं आने देगा। गाइस आपको बाइक का एक 360 व्यू दे देते हैं। ये जो इसके ऊपर पेंट वर्क हुआ हुआ है, ये कस्टमर ने अपना खुद करवाया हुआ है। इट्स अ 2015 मॉडल, जो कि राउंड अबाउट आपको बताया है 27.6 हॉर्स पावर पे ड्यूस करता है, सिंगल सिलेंडर है, फोर वेल्व के अंदर ये बाइक आता है। कावासाकी ब्रांड है, इट्स अ जापानीज ब्रांड। बाइक बहुत ही मजेदार और अग्रेसिव लुक देता है। 360 व्यू आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया है कि जब आप रात या सुबह के टाइम इसको रोड के ऊपर राइड कर रहे हैं तो आपकी बाइक की लुक कैसी आएगी। आपको एक बाइक का साउंड टेस्ट भी देते हैं। कस्टमर ने इसके ऊपर एक्रा पाविक का एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, जो कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है। आपको इसकी साउंड चेक कराते हैं, बहुत ही मजेदार साउंड है इस बाइक का। बहुत ही लाउड और एग्रेसिव साउंड है गाइस इस बाइक के ऊपर, क्योंकि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। जो इनके अपने ओरिजिनल एग्जॉस्ट आते हैं वो साउंडलेस होते हैं, क्योंकि साउंड पोल्यूशन की वजह से इंटरनेशनल रूल है कि वो बाइक्स के अंदर भरे एग्जॉस्ट नहीं दे सकते, लेकिन कस्टमर ने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है और इसका साउंड बहुत ही मजेदार आ रहा है। गाइस एज इट्स स्पोर्ट्स मॉडल, तो इन्होंने बाइक के ऊपर बहुत ही मजेदार एरोडायनामिक फेयरिंग्स दी हुई है। फेयरिंग्स का फायदा ये है कि प्रॉपर एयर को कट करते हैं, तो आप इसके एरोडायनामिक चेक करें। ये हमारी साइड की फेयरिंग आ रही है, उसी तरह हमारे पास नीचे भी ये सारा है, ये आप चेक करें। कस्टमर ने इसके ऊपर स्टिकरिंग भी बहुत मजे की कराई हुई है, कावासाकी दिया हुआ है नीचे, और इधर एक प्रॉपर हमें निंजा का स्टिकर दिया हुआ है। उसी तरह हमारे पास फ्यूल टैंक के ऊपर भी एक निंजा का स्टिकर आ रहा है। तो फेयरिंग्स आपको चेक कराने का मकसद ये है कि आपको बाइक्स के एरोडायनामिक्स का आइडिया हो। इससे फायदा ये होता है कि इससे एक प्रॉपर एयर कट होती है और आपकी बाइक जो है एक्सेलरेट बहुत मजेदार करती है। उसी तरह आपको दूसरी साइड पे भी चेक कराते हैं, उसी तरह हमारे पास इस साइड पे भी एक प्रॉपर निंजा का टैग आ रहा है, बहुत ही मजेदार किस्म का। नीचे आप चेक करें, उसी तरह हमारे पास एक कावासाकी का यहाँ पे टैग आ रहा है, और आगे से आप इसकी एरोडायनामिक्स चेक करें कि जब आपकी विंड आएगी तो इसको किस तरह ये क्रॉस करके आपका बाइक उसके अंदर से स्पीड के अंदर निकलेगा। आपको थोड़ी सी इसकी सीट भी चेक करा देते हैं, बहुत ही मजेदार इन्होंने सीट दिया हुआ है। आप पूरा इसके अंदर डक इन हो जाते हैं, यानी कि आप जब अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आगे लीन होना पड़ता है। उसके लिए आप ये चेक करें कितनी इन्होंने प्रॉपर सीट दी हुई है। उसी तरह हमारे पास पीछे पिलियन के लिए भी सीट है, पिलियन के फुट पैग्स आप चेक करें। यहाँ से आप फुट पैग्स निकाल के पिलियन आपका इजीली इसके ऊपर राइड कर सकता है। फ्रंट के भी आपको फुट पैग्स चेक करा देता हूँ, बहुत ही मजेदार इन्होंने फ्रंट के हमें फुट पैग्स दिए हुए हैं। इस वक्त मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ, मैं आपको बैठने का मकसद मेरा ये है कि आपको इसका पोस्चर भी चेक कराऊं। ये देखें आपके प्रॉपर पांव भी नीचे लगते हैं, आपको इसकी सीट हाइट हमने बताई भी है, और ये देखें ये मेरी लेग्स किस तरह फ्यूल टैंक के साथ डक इन हो रही हैं और मैं इसके ऊपर पूरा लीन हो सकता हूँ। स्पोर्ट्स का मकसद ये है कि आपने इसको थोड़ा सा लीन होकर चलाना है, क्योंकि आपके जब एयर आगे से ज्यादा आ रहा होता है और अगर आपने इसको एक्सेलरेट करना है तो आप अपनी बाइक के ऊपर थोड़ा लीन होते हैं। तो ये देखिए मैं किस तरह प्रॉपर इसके अंदर डक इन हो जाता हूँ बाइक के अंदर। बहुत ही मजेदार पॉस्चर है बाइक का, फुल स्पोर्टी पॉस्चर है, और आप इसको बहुत ही मजेदार तरीके से राइड करेंगे और आप इसकी राइड को एंजॉय भी बहुत करेंगे। गाइज यही आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।